न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्यसभा चुनाव को लेकर रवि राणा की प्रतिक्रिया, हनुमान चालीसा बोलना या मातोश्री जाना अपराध है, रवि राणा का सवाल। बाप बेटी 12वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में हुए पास, 86.50% अंकों के साथ बेटी ने पछाड़ा पिता को। और नागपुर में फिर पैर पसार रहा कोरोना, आज 29 कोरोना पॉजिटिव मिले। और अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायक रवि राणा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा के तीनों उम्मीदवार जीतेंगे, जो मुझ पर आरोप लगाते हैं, जो मुझे जेल में डालते हैं, वे नष्ट हो जाएंगे। क्या विधान भवन में हनुमान चालीसा लाना भी अपराध है? महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा बोलना या मातोश्री जाना अपराध है? ऐसा सवाल भी उन्होंने इस वक्त उपस्थित किया। ये देखो, आज 101 बार हनुमान चालीसा का वाचन करके जो घर के अंदर बीएमसी की नोटिस मुझे दी है, उसी घर में मैंने पढ़ा और वहाँ से आया विधि मंडल के अंदर मैं आया हूँ वोटिंग करने। भाजपा के तीनों उम्मीदवार बहुमत से चुन के आएंगे और बार बार उद्धव जी ने हनुमान चालीसा का जो अवमान किया, अपमान किया और औरंगाबाद के सभा में भी हमको चैलेंज किया कि आप जाके कश्मीर हनुमान चालीसा पढ़ो, क्यों महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते? महाराष्ट्र के मातोश्री पे आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते? अगर हनुमान चालीसा उद्धव जी मातोश्री पे पढ़ेंगे, उसी दिन कश्मीर में जाके मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, ये उनका आह्वान करता हूँ। और राजनीति का बहुत बड़ा भूकंप यार, राज्यसभा के चुनाव में मालूम पड़ेगा कि किस तरह से राजनीति भूकंप होता है। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी, उनको लक्ष्मण जगताप खूब एम्बुलेंस से आके उन्होंने वोटिंग किया, उस पर से मालूम पड़ता है कि देवेंद्र फडणवीस जी पे प्रेम करने वाले कितने लोग हैं। ऐसे मेरे जैसे कई अपक्ष उनसे तन मन से जुड़े हैं, शरीर से तो भी अगर शिवसेना के साथ रहेंगे पर तन मन से देवेंद्र फडणवीस जी के साथ हैं, ये ध्यान रखें। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ नागपुर द्वारा 8 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर उमरखेड़ में प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाने के लिए एक सम्मानजनक निर्णय लिया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर 2018 से छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारोही प्रतिमा लगवाने के लिए संघर्ष समिति ने विभिन्न आंदोलन शुरू किए थे, लेकिन तत्कालीन सत्तारूढ़ भाजपा, शिवसेना और एनसीपी प्रशासन निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं थे। प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरी भी मिली थी। विवादित क्षेत्र में प्रतिमाएं स्थापित करने के निर्णय की मांग की गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा दर्शनी क्षेत्र के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में लगनी चाहिए, इसलिए स्ट्रगल एक्शन कमेटी ने कड़ा रुख अख्तियार किया था कि मूर्ति को वहां नहीं रखा जाना चाहिए। इसके लिए पिछले 4 साल से चल रहे विभिन्न आंदोलनों ने सरकार और प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचा था। अंततः संघर्ष समिति सफल हुई और आदेश मिलते ही उमरखेड़ शहर में खुशी का माहौल बन गया। इसलिए शिवाजी चौक में शिवाजी महाराज संघर्ष समिति ने पटाखा जलाकर प्रसन्नता व्यक्त की। कुछ ही दिनों में छत्रपति चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। जिल्हा परिषद की जमीन होय, आम्ही लहान होतो गोपाल से, तेव्हा आम्ही तिथे जेठमलजी महेश्वरीला पाहिलेला आहे, तेव्हा आम्ही तिथे भाऊसाहेब मानेंना पाहिलेला आहे, तेव्हा आम्ही तिथे शिलार मामांना पाहिलेला आहे, हे लोक मुढे गुरुजींना पाहिलेला आहे, जागीरदार साहेबाला पाहिलेला आहे, हे लोक तिथे बसायचे, विजयराव नवीन कार्य करते होतो तिफन रहायची आपली जिल्हा परिषदची। 2022 हे IPL PIL भाजपतर्फे दाखल करण्यात आली होती, त्या PIL मध्ये संघर्ष समितीला पार्टी करण्यात आलं नव्हतं। त्यानंतर संघर्ष समितीने असा निर्णय घेतला की आपण इंटरव्हेन्शन म्हणून त्याच्यात दाखल व्हावं, पण त्यानंतर विद्यमान उच्च न्यायालयांनी स्वतःहून संघर्ष समितीला त्यामध्ये पार्टी करण्याचे आदेश दिले, त्यानंतर संघर्ष समिती त्याच्यात पार्टी झाली आणि संघर्ष समितीमार्फत वैभव पत्रे, ॲडव्होकेट वैभव पत्रे, जितेंद्र पवार व विनोद पाटील हे तीन, अमोल पाटील हे तीन जण त्याच्यात हजर झाले आणि माननीय जिल्हाधिकारी यवतमाळ हे त्या पुतळ्याचे अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांनी 29/4/2022 रोजी एक ठराव पारित केला आणि ठरावाच्या आधारावर विद्यमान उच्च न्यायालयांनी शिवाजी महाराजाचा अश्वारूढ पुतळा हा शिवाजी चौकात म्हणजे नगर परिषदले इथले 4 गाळे डिसमेंटल करून त्याच्यामध्ये शिवाजी महाराजाचा अश्वारूढ पुतळा उभा करण्यासाठी
विद्यमान उच्च न्यायालयाने आपल्याला परमिशन दिलेली आहे। बीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महिंद्रे की रिपोर्ट। कामठी में महादेव घाट सेवा समिति, एकलव्य फाउंडेशन व गंगा दशहरा समिति के तत्वावधान में महादेव घाट तीर्थ क्षेत्र में गुरुवार को पहली बार शाम को दीप उत्सव व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गंगा दशहरा पर्व पर महादेव घाट सेवा समिति, एकलव्य फाउंडेशन व गंगा दशहरा समिति के तत्वावधान में धार्मिक दीप उत्सव व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। शाम 6 बजे विधिवत पूजा अर्चना, गंगा पूजन व दीप उत्सव व महाआरती का आयोजन किया गया। उपस्थित श्रद्धालु महिला पुरुषों ने द्रोण में दीपक जलाकर पानी में प्रवाहित किया। इसी बीच भक्ति संगीत के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आयोजन समिति समस्त ब्राह्मणों के संयुक्त तत्वावधान में मां गंगा दशहरा दीप महोत्सव संपन्न हुआ। इस अवसर पर कन्हान नदी महादेव घाट परिसर भक्तिमय वातावरण से सुशोभित हो गया था, तो बड़ी भक्ति से नागरिकों ने हिस्सा लिया। बीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। राज्य में 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। करमाला तालुका के कविद गांव के पिता और पुत्री ने एक ही समय में 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है। खास बात यह है कि अंक अर्जित करने के मामले में लड़की ने अपने पिता को पछाड़ दिया है और इस पर उसके पिता को गर्व है। 12वीं की परीक्षा में पिता को 70% और लड़की को 86.50% अंक मिले हैं। पिता स्वयं सरपंच है और विपत्ति को पार करते हुए उन्होंने भी प्रथम श्रेणी में सफलता प्राप्त की है। कविता गांव के सरपंच विद्या सरदे के पति शिवाजी सरदे एक पहलवान हैं। उन्होंने मच्छिंद्रा कवित गांव के मच्छिंद्रा विद्यालय से फॉर्म भरा और 12वीं कक्षा की परीक्षा में बैठे, क्योंकि उन्हें 12वीं की कक्षा की परीक्षा से पहले 1997 में उस स्कूल से बाहर होना पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी उनके मन में शिक्षा की आशा थी, इसलिए उन्होंने कोरोना के इस दौरान पढ़ाई की और परीक्षा दी। वैकल्पिक रूप से उन्होंने ये परीक्षा 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। योग योग है कि उनकी पुत्री कुमारी साक्षी सरडे ने 86.50% अंकों के साथ पास किया है। साक्षी न केवल पढ़ाई में अच्छी है, बल्कि वो योग और प्लांट मलखम्ब में भी एक राष्ट्रीय खिलाड़ी है। इसलिए पिता और पुत्री दोनों ही प्रशंसनीय है, क्योंकि उन्होंने पहली कक्षा में 12वीं पास की है। खुद पहलवान पिता शिवाजी सरदे को इस बात का गर्व है कि उनकी बेटी ने उनसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं। नाही, वस्तुस्थिती कसं आहे, एकतर मी 12वीला माझी 96 अर्ध्यातून मला सोडावी लागली, नंतर 12वीची अशीच खंत कंटिन्यू मला राहत राहिली की आपल्याला शिक्षण झालं पाहिजे। नंतर मी पैलवान क्षेत्रात गेलो, तालीम शावाकडा कोल्हापूर येथे 2-4 वर्ष केली, नंतर परत शेती करायला आलो। शेती करण्याच्या ह्याच्यात नंतर मग मुलांचं शिक्षणाचं पुढं आलंच, मुलांना भी शिक्षण मिळण्यासाठी प्रोत्साहन करायचं तर आपण भी शिकलं पाहिजे, हे डोक्यात माझे कंटिन्यू होतं। ज्यावेळेस मुलं हे शिकत राहिली त्यावेळेस मुलं भी हुशार होती, पण आपण त्यांना प्रोत्साहन देणं गरजेचं आहे। कंटिन्यू मी प्रत्येक शिक्षकापाशी बसल्यानंतर किंवा असं सुशिक्षित लोकांमध्ये बसल्यानंतर हे समजायचं की आपण मुलांना जर प्रोत्साहित केलं तरच मुलं त्याचा विचार करून पुढं चालतील। मला माझ्या वडिलांचा खरं पहिल्यापासूनच खूप अभिमान आहे। ते सरपंच झाले होते तेव्हा असं वाटत म्हणजे सगळ्यांसाठी गावासाठी खूप काय काय करत होते, आणि 12वी मला कळलं की ते माझ्याबरोबर 12वीची परीक्षा देत आहेत ह्याचं तेव्हा मला खूप आनंद झाला होता। कारण म्हणजे पहिलीच मुलगी मी अशी होती आमच्या स्कूलमध्ये की माझ्याबरोबर माझे वडीलही 12वीचा पेपर देत आहेत, त्यामुळे भारी वाटत होतं। आणि निकालाच्या दिवशी भीती वाटत होती की पप्पांना जास्त मार्क पडतील की मला, त्यामुळे छान वाटलं। रिझल्ट पण भारी आला पप्पांचा, स्टडी म्हणजे काम जास्त होतं पप्पांच्या मागे, त्यामुळे त्याच्या ह्याच्यात त्यांनी स्टडी करून छान मार्क मिळवले। आपण पाहतो की अनेक वेळा मुलामुलामध्ये स्पर्धा लागते, परंतु इथं मुली आणि वडिलांमध्ये स्पर्धा लागली होती, त्यावेळेस नेमकं कशी परिस्थिती वाटत होती, काय अनुभव होता त्यावेळेस? भीती वाटत होती रिझल्टच्या अगोदर की कोणाला जास्त मार्क पडतील वगैरे, पण म्हणजे माझी अभ्यास चालू होता माझा, तसं पप्पांचा अभ्यास वगैरे चालू नव्हता, म्हणजे काम करत करत त्यांनी स्टडी केला, त्याच्यामुळे त्यांना पण भारी मार्क मिळाले आणि माझी पण छान। आता पुढील काळामध्ये वडिलांना पुढील शिक्षणासाठी काय प्रेरणा देणार आहेस का? मला असं वाटतं त्यांनी पूर्ण ग्रॅज्युएशन वगैरे पूर्ण करावं, पुढं अभ्यास कंटिन्यू ठेवावं। मंत्री यशोमती ठाकुर ने राज्यसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया दी है। बोलते समय उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी के चारों प्रत्याशी निर्वाचित हो रहे हैं, जबकि भाजपा के तीनों प्रत्याशी गिरने वाले हैं, ये मेरा अटल दावा है, ऐसी प्रतिक्रिया मंत्री यशोमती ठाकुर ने दी है। महाविकास आघाड़ी के चार ही उम्मीदवार निवड़ून येत आहेत,
आणि भाजपचं उमेदवार पडतायत हे ज्यावेळेला भाजपला लक्षात आलं त्यावेळेला तिथं कन्फ्युजन करण्याचं काम मोठ्या प्रमाणामध्ये जसं महाराष्ट्रामध्ये केलं तसं तिथं बोलिंगच्या तिथंही कन्फ्युजन करायचं काम त्या ठिकाणी केलं. आमचे चारही उमेदवार निवडून येत आहेत एवढं मी ठामपणे अतिशय कॉन्फिडेंटली तुम्हाला सगळ्यांना सांगू शकते. खबरों के सिलसिले में वक्तों चला एक ब्रेक का मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बार बार उठो बैठो उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. के बाद आपका स्वागत है. आज होने वाले राज्यसभा चुनाव में आज शाम तक तय हो जाएगा कि धनंजय महाडिक और डॉक्टर बोंडे में से किसका असर होगा. विधान परिषद के सदस्य अमोल मिटकरी ने कहा है कि विकास आघाड़ी के सभी चार उम्मीदवार राज्यसभा में चुने जाएंगे. महाविकास आघाड़ी सरकार मध्ये आज चार जागेसाठी राज्यसभेच्या निवडणुका होत आहेत. चारही जागेवर आमचे उमेदवार निवडून येतील. भाजपकडून काही बातम्या पेरल्या जात आहेत त्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये वितुष्ट असल्याच्या, त्याला सूत्रां कुठलंही तथ्य नाही. मुख्यमंत्री असतील, पवारसाहेब असतील, अजितदादा असतील, जयंत पाटील साहेब असतील, तिन्ही पक्षाचे नेते, मग ते नाना पटोले असतील, सर्व नेत्यांनी एकमताने, एका दिलाने, नव्या जोमाने आज चारही जागेवर सर्व उमेदवार आपले उभे केले. ते निवडून येतील. फटका बसण्याची शक्यता भारतीय जनता पार्टीला आहे. चंद्रकांत पाटलांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आज फटका कोणाला बसणार, धनंजय महाडिक की डॉक्टर अनिल बोंडे, हे पण यावरून सिद्ध होईल. महाविकास आघाडीचे चारही उमेदवार चांगल्या मताने निवडून येतील आणि भारतीय जनता पार्टीच्या अधःपतनाला आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वर्धापन दिनापासून सुरुवात झाली असं मी समजतो. नागपूर शहर में अब फिर कोरोना अपने पैर पसार रहा है. आज शहर में 29 कोविड पॉजिटिव मिले हैं. पिछले कुछ दिनों में कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें 15 से लेकर अब 29 तक जा पहुंची है. अब फिर एक बार कोरोना की रोकथाम के लिए कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करना जरूरी हो गया है, जिसे कोरोना की रोकथाम की जा सके. फिलहाल नागपुरवासी कोरोना के प्रति उतने सजग नहीं है, मगर अब आने वाले आंकड़े डरा रहे हैं. संभागीय आयुक्त ने पुसद तालुका में सरपंच, उप सरपंच और हुड़ी बीयू के एक सदस्य को अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है. पंचायत समिति के इतिहास में ये पहली घटना है. साथ ही जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने तत्कालीन ग्राम सचिव अनिता दिगंबर अगाशे के खिलाफ सरकारी योजना से 14 लाख रुपए के गबन के मामले में विभागीय जांच के आदेश दिए हैं.
अप्रैल में ग्राम सचिव के खिलाफ ग्रामीण थाने में मामला दर्ज कराया गया था। इस घटना से पुसद तालुका में हड़कंप मच गया है। ग्राम पंचायत हुड़ी पंचायत समिति पुसद अंतर्गत येते एक्चुअली ग्राम पंचायत हुड़ी तिथेल याच्यामध्ये ग्राम सेवक सरपंच उपसरपंच आणि सदस्यांविरुद्ध जी आम्हाला तक्रार प्राप्त झाली होती तरी सर त्या तक्रारीची चौकशी करून आम्ही तो सगळं अहवाल माननीय विभागीय आयुक्त यांच्याकडे माननीय मुख्य कार्यकारी देखील सादर केला होता यांनी त्या प्रकरणी संपूर्ण चौकशी होऊन माननीय विभागीय आयुक्त अमरावती विभाग अमरावती यांच्या आदेशाने सरपंच उपसरपंच आणि सदस्य यांच्यावरती अपात्रतेचे आदेश आपल्याला पारित झालेले आहेत। त्यासोबतच त्याच्यातरी जबाबदार असलेले ग्रामसेवक कुमारी आगाचे यांच्याविरुद्ध सुद्धा आपल्याला कारवाई करण्याचे आदेश प्राप्त झालेले आहेत। त्यानुसार आपण पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे आणि त्यांच्याविरुद्ध खाती चौकशी सुरू आहे। खाती चौकशीनंतर सगळं जे कारवाई होईल ते आरोप सिद्ध झाल्यानंतर रिसर कारवाई जे आम्ही शिस्त व आपले नियम आहेत आपल्या जिल्हा परिषदेचे त्यानुसार त्यांच्याविरुद्ध सुद्धा कठोर कारवाई प्रशासनामार्फत करण्यात येईल। नागपूर शहर में फिरौती की मांग का मामला सामने आया है। यशवंत स्टेडियम में शिवशक्ति आइसक्रीम की दुकान पर आरोपी महेंद्र वानखेड़े और महेश सालवे और उनके साथियों ने दुकान मालिक को 10,000 रुपए की मांग की, नहीं देने की बात कहकर दुकान में तोड़फोड़ कर धमकाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। मी पुलिस उप निरीक्षक विश्वजीत परताड़े पुलिस स्टेशन धनतली फिरौती दुकानातील मुख्य आरोपी है सूरज तायवाड़े वय 25 वर्ष राहणारा तकिया धनतोली त्याचे साथीदार सर्व फिर्यादीने रिपोर्ट दिली होती। दोन साथीदार त्याच्यासोबतचे दोन आरोपी महेश वानखेडे महेंद्र साळवे आणि इतर यांनी सर्व राहणार तकिया यांनी फिर्यादीच्या दुकानात जाऊन 10,000 रुपये हप्ता द्यावा लागेल असे सांगितले अन्यथा तोडफोड केली आणि धमकी दिली फिर्यादीला। तर तपासादरम्यान तीन आरोपी तपास पथकाच्या मार्फतीने ताब्यात घेण्यात आले होते। नंतर त्यांच्याकडे चौकशी करून आणखी दोन आरोपी अटक करण्यात आले। सर्वांना अटक करून न्यायालयाकडे पाठवण्यात आले। सर आरोपीचे दुकानाचे नाव काय आहे, फिर्यादी दुकानाचे नाव काय आहे, फिर्यादीचे कुठे दुकान आहे, कसे दुकान आहे, काय सांगा? फिर्यादीची आईस्क्रीमची दुकान आहे शिवशक्ती आईस्क्रीम म्हणून यशवंत स्टेडियम येथे। जुने वादविवाद काही नव्हते, डायरेक्ट आरोपी आले खंडणी मागण्यासाठी। आणखी एक प्रकाश कुल्फी म्हणून आहे त्या दुकानामध्येही यांनी असा प्रकार केलेला आहे। त्यातील आरोपी संख्या टोटल किती आहे आणि त्यातील जे आरोपी काय काम म्हणजे करतात काय सांगतात? आरोपीची संख्या सध्या 5 झालेली आहे आणि तपास सुरू आहे। आरोपी हे सर्व मजुरी वगैरे असेच काम करत आहेत आणि 25 वयाच्या वयोगटातील। कारंजा तालुका के बोंदार थाना में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है, जब एक निर्दयी मां ने लगभग 2 बजे नवजात शिशु को कूड़ेदान में फेंक दिया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। सुबह 2 बजे के दरमियान दयाराम गजम की पत्नी ने रोने की आवाज सुनी। गजम परिवार आवाज देखने गया तो उनको नवजात बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। पुलिस को सूचना देने के बाद बच्चे को इलाज के लिए ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया है। बच्चे का संघर्ष तब शुरू हुआ जब वह हाल ही में मां के गर्भ से निकला। नवजात बच्चे को गांव के बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया गया। जन्म दिले वाले के द्वारा कूड़ेदान में फेंकने से बड़ा दुख और क्या हो सकता है। गांव की आशा सेविका और आंगनबाड़ी सेविका को 1 घंटे पहले जन्मे बच्चे के मिलने की सूचना मिली थी। जब वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि बच्चे का शरीर मिट्टी से ढका हुआ है। पुलिस को सूचना देने के बाद बच्चे को इलाज के लिए ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया। हालांकि बच्चे को वर्धा जनरल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि बच्चा पाउडर दूध नहीं पी रहा था। आशा सेविका, आंगनवाड़ी सेविका, डॉक्टर, पुलिस द्वारा बच्चे को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चे को ऐसे ही कचरे में फेंकना उसके माँ को कैसा सही लगा, ऐसे कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। फेंके गए नवजात शिशु को कूड़ेदान में फेंकते हुए माँ को शर्म नहीं आई क्या, ऐसे सवाल गाँव के लोग कर रहे हैं। आज सुबह एक नर शिशु को गाँव के पास कूड़ेदान में फेंक दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या यह बच्चा अनैतिक रिश्ते से पैदा हुआ है या नहीं। कैसी निर्दयी माँ है, इस माँ को बच्चे को फेंकने के लिए सजा होनी चाहिए। आशा कार्यकर्ता और डॉक्टर की मदद से बच्चे को बचाया गया। गांव की आशा कार्यकर्ता प्रेमी कड़वे और पुष्पा हिंगवे को नवजात शिशु के मिलने की सूचना मिली। उन्होंने तुरंत बच्चे के ऊपर एक कपड़ा डाला और उसे अस्पताल ले गए। उसके बाद डॉक्टर कोटवार और नर्स ने गाँव के अस्पताल में उसका इलाज किया। कुछ घंटों के बाद बच्चा नीचे गिर गया और उसे पाउडर दूध दिया गया, लेकिन बच्चा दूध नहीं पी रहा था और उसके आगे के इलाज के लिए उसको स्थानांतरित कर दिया गया। बच्चे की जान बच गई है। नवजात शिशु का जिला सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वीकेबी न्यूज के बुलेटिन में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।